हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, ये है ब्रेंटन। उन्होंने ही एक ब्लॉग लिखा है जिसमें गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर को इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। और आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल लैंग्वेज में कि ये 200 फैक्टर क्या है, जिससे आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, वीडियो में भी बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं और इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जाएगा। बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं हमारा ये रैंकिंग फैक्टर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो लाइक शेयर कर लीजिए और आपका सपोर्ट हमें चाहिए। दोस्तों, इन्होंने जो शुरू करते हैं ये हमारा वीडियो, इन्होंने इस टॉपिक को काफ़ी जगह डिवाइड किया है। जैसा फर्स्ट पॉइंट इन्होंने डिवाइड किया है डोमेन फैक्टर, पेज लेवल फैक्टर, साइट लेवल फैक्टर, बैकलिंक फैक्टर, यूजर इंटरेक्शन, स्पेशल गूगल एल्गोरिथम रूल्स और ब्रांड सिग्नल्स, ऑन साइट स्पैम, ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर और ऑफ साइट वेब स्पैम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आते हैं डोमेन फैक्टर पे। सबसे पहला पॉइंट है डोमेन का एज, यानी आपका वेबसाइट कितने साल पुराना है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। कीवर्ड अपियर इन टॉप लेवल डोमेन, आपका कीवर्ड डोमेन के अंदर आता है या नहीं है। अगर आता है तो आपको बेनिफिट है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। और कीवर्ड अगर आता भी है तो वो कौन से प्लेस पर है। अगर डोमेन बड़ा है और उसमें दो वर्ड्स हैं तो कौन से प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर या सेकंड प्लेस पर। जैसा फॉर एग्जांपल मेरे वेबसाइट में वेबली डिजिटल, तो वेबली डिजिटल, डिजिटल वर्ड जो है वो सेकंड वर्ड है, तो उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। एंड डोमेन रजिस्ट्रेशन लेंथ, पॉइंट नंबर 4 है डोमेन रजिस्ट्रेशन लेंथ, के आपका डोमेन कितने साल के लिए बुक किया हुआ है। पॉइंट नंबर 5 आता है कीवर्ड इन सब डोमेन, आप जो भी पोस्ट लिखते हैं, पेज बनाते हैं, उसके अंदर आपका कीवर्ड्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। 6 नंबर है डोमेन हिस्ट्री, डोमेन का ओनरशिप इससे पहले क्या था, इससे पहले वो डोमेन रनिंग था या नहीं था। तो ये भी एक पॉइंट है, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। एग्जैक्ट मैच डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन वैल्यूएबल नहीं है, इतना लो क्वालिटी साइट उन्होंने कंसिडर किया है, लो क्वालिटी साइट्स है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और नंबर 8 है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हुईज, कुछ डोमेन पर हुईज इंफॉर्मेशन हिडन रहता है, कुछ डोमेन पर ओपन रहता है। गूगल ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करता है, देखता है उसको रैंक करने के लिए। पेनलाइज हुईज ऑनर, अगर आपके पास 5 डोमेन हैं या एक से ज़्यादा डोमेन है, एक वेबसाइट पर अगर आप पेनलाइज हो गए और दूसरे डोमेन रन कर रहे हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। कंट्री लेवल एक्सटेंशन मीन्स लाइक डॉट इन, डॉट यूके, डॉट सीए कनाडा के लिए, तो ये पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए ही बूस्ट होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेबसाइट दिखता है बट बूस्ट होने के चांस कम है। टॉपिक नंबर दूसरा आ जाता है पेज लेवल फैक्टर है। पॉइंट नंबर 11 है कीवर्ड इन टाइटल टैग, जो बेसिक है एसईओ के लिए, आपका कीवर्ड टाइटल टैग में रहना चाहिए। टाइटल टैग विद कीवर्ड, टाइटल जो है वो कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसा मोज कहते हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया है। लाइक अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कर रहे हैं तो पहला कीवर्ड ही टाइटल में होना चाहिए, ये भी गूगल कंसीडर करता है। 13 नंबर है कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन एंड 14 नंबर है कीवर्ड अपियर इन H1 टैग, हेडिंग टैग में आपका कीवर्ड आता है या नहीं, ये उन्होंने ग्राफ बताया है। एंड TF IDF, ये कि हाउ ऑफन डज सर्टेन वर्ड्स अपियर इन द डॉक्यूमेंट्स, मीन्स आपके अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी कार रेंटल सर्विस कंपनी को, और कार रेंटल आपके पूरे पेज पे कितनी बार आता है। कंटेंट लेंथ, कंटेंट आपके वेब पेज पे कितने वर्ड्स हैं उसके ऊपर भी गूगल कंसीडर करता है। 17 नंबर है टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स कितने हाइपरलिंक्स आपके इंटरनल सेम पेज से सेम पेज पर हैं। कीवर्ड डेंसिटी क्या है, जो भी कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हैं वो कितने टाइम्स आपके पेज पर अपियर हुआ है, गूगल ये भी ध्यान देता है। और 19 है लेटेंट सेंटिमेंट इंडेक्स कीवर्ड इन कंटेंट, LSI भी जिसको बोलते हैं, फॉर वर्ड दैट हैव मोर देन वन मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल एप्पल द कंप्यूटर कंपनी वर्सेस एप्पल द फ्रूट। तो आप जिस वर्ड को यूज कर रहे हैं, LSI जो है आपका वर्ड, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो रहा है, तो ये भी डिपेंड करता है। LSI वर्ड इन टाइटल टैग, ये भी गूगल कंसीडर करता है और इसको जो है रिलेवेंसी सिग्नल वो पॉजिटिव मानते हैं। एंड पेज कवर टॉपिक इन टैब,
मीन्स आपका टॉपिक जो है वो कितने डीप कवर किया है, कितना कंटेंट्स है, गूगल इस चीज़ को भी रैंकिंग में प्रायोरिटी देता है। आपने खाली ऊपर ऊपर लिख दिया, उससे गूगल इतना प्रायोरिटी नहीं देता। पेज लोडिंग स्पीड मीन्स आपका पेज कितनी स्पीड से लोड होता है, वो भी गूगल उस पर ध्यान देता है। रैंकिंग फैक्टर सर्च इंजन स्पाइडर कैन एस्टिमेट योर साइट स्पीड फेयरली एक्यूरेटली बेस्ड ऑन योर HTML कोड। मीन्स कितना स्पीड है पेज का आपका, गूगल इस चीज़ पर भी प्रायोरिटी देता है। जितना स्पीड आपका अच्छा होगा, जितना पेज का वेट कम होगा, उतना ज़्यादा आपको गूगल प्रायोरिटी देगा। पेज लोडिंग स्पीड वाया क्रोम, क्रोम ने एक एक्सटेंशन निकाला हुआ है लाइट हाउस, उसके थ्रू वो टेस्ट करते हैं कि पेज का स्पीड क्या है, लोडिंग स्पीड क्या है। AMP एक्सेलेरेटर मोबाइल पेज, आपका पेज जो है वो एक्सेलेरेटर मोबाइल पेज है या नहीं है, AMP वर्जन्स। और एंटिटी मैच, एंटिटी मैच सर्चिंग फॉर द इफ सो दैट मे बी रैंकिंग बूस्ट फॉर द कीवर्ड्स। अगर आपका इंटेंशन क्या है उस कीवर्ड पे पर्टिकुलर जो आप रैंक करा रहे हैं, वो यूजर का सर्च इंटेंशन है या नहीं है, वो भी मैच कराने के लिए देखता है। एंड गूगल हमिंग बर्ड, ये गूगल का एल्गोरिथम है, इसके तो यूज करते ही करता है। और इसका मीनिंग है टॉपिक ऑफ द वेब पेज, गूगल कैन नाउ बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द पेज। आपका ओवरऑल पेज का टॉपिक क्या है और यूजर जो सर्च कर रहा है वो कैसे कोरिलेशन बनाता है, ये पॉइंट नंबर 26 हो गया। एंड 27 डुप्लीकेट कंटेंट, आपके पेज पे कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं रहना चाहिए। इवन स्लाइटली मॉडिफाइड कैन निगेटिवली इन्फ्लुएंस, ये आपका निगेटिव पॉइंट है अगर आपके पास डुप्लीकेट कंटेंट है। एंड रिलेशन कॉन्टेंट, अगर आप ये यूज करते हैं प्रॉपरली ये, तो फ्रॉम गूगल फ्रॉम पेनालाइज योर साइट। डुप्लीकेट कंटेंट है तो आप गूगल को इन्फॉर्म करिए रिलेशन कॉनोनिकल के थ्रू, टैग के थ्रू, ये एक टैग है। एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन, आपका इमेज जो है वो भी ऑप्टिमाइज रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंसी सिग्नल्स है गूगल को बूस्ट करने के लिए। देयर फाइल नेम, जो फाइल का नाम होता है .jpg png, और उसके अंदर एल्ट एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एंड इवन द कैप्शन भी रख सकते हैं आप। कंटेंट रिसेंसी, एंड कंटेंट रिसेंसी मीन्स कि आपका कंटेंट कभी अपडेट हुआ था या कभी आपने पब्लिश किया था। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंटेंट अपडेट, आपका अपडेट किस फ्रिक्वेंसी से हो रहा है। हिस्टोरिकल पेज अपडेट, आपका पेज कितना फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है, डेली होता है, वीकली, एवरी 5 ईयर्स या 1 ईयर्स, आप पेज को अपडेट करते भी हैं या नहीं है। ये फ्रेशनेस गूगल देखता है, फ्रेश डेटा किसके पास है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कीवर्ड प्रोमिनियंस, हैविंग कीवर्ड्स अपीयर इन द फर्स्ट 100 वर्ड, आपका जो कीवर्ड्स टारगेटेड कीवर्ड्स है वो फर्स्ट 100 पैराग्राफ में है या नहीं है, ये गूगल को रिलेटेड टू फर्स्ट पेज रैंकिंग वो देखता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीवर्ड इन H2 H3 हैविंग द कीवर्ड्स अपीयर इन सब हेडिंग एंड H2 H3 फॉर्मेट में बी अनदर वीक रिलेवेंसी सिग्नल। अगर आप अपना मेन कीवर्ड H2 H3 में देते हो तो गूगल जॉन मेलर स्टेट्स के अकॉर्डिंग वो एक वीक सिग्नल है, मीन्स आप H2 H3 में मत दीजिए। आउटबाउंड लिंक क्वालिटी, आपका इनबाउंड तो हो गया, आप किसी दूसरे को लिंक देते हैं उसका क्वालिटी क्या है, वो साइट कैसा है। एंड आउटबाउंड लिंक थीम मीन्स आप रिलेटिव आउटबाउंड दे रहे हैं या इन रिलेटेड आउटबाउंड दे रहे हैं। मीन्स आपका अगर थीम है कार से रिलेटेड और आप दे रहे हैं कुकिंग से रिलेटेड किसी साइट को आउटबाउंड लिंक, वो इन रिलेटेड हो जाता है। ग्रामर एंड स्पेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ग्रामर एंड स्पेलिंग आप प्रॉपरली चेक करके आप अपनी साइट पर पब्लिश करिए, और इसी को गूगल बहुत कंसिडर करता है। एंड सिंडिकेट कंटेंट, दैट कंटेंट पेज इज ओरिजिनल इफ अपीयर इज कॉपी, मतलब आपका जो कंटेंट है वो कॉपी किया हुआ तो नहीं है या किसी दूसरी वेबसाइट से, ये रैंक नहीं होगा अगर आप किसी भी दूसरी वेबसाइट से कॉपी करते हैं। मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, ऑफन रिफर द मोबाइल गार्डन अपडेट रिवार्ड पेज दैट वर्क प्रॉपरली ऑप्टिमाइज फॉर द मोबाइल डिवाइस, आपका पेज जो है वो मोबाइल डिवाइस पे ओपन प्रॉपरली होता है या नहीं। एंड वेबसाइट दैट मोबाइल यूजर कैन इजीली यूज मे हैव द इन एच गूगल फर्स्ट इंडेक्स, मोबाइल फ्रेंडली रहना चाहिए, मोबाइल यूजेबिलिटी भी रहना चाहिए। हिडन कंटेंट ऑन मोबाइल, ये आपका कंटेंट कोई ऐसा तो नहीं है जो हिडन है, बट गूगल इसको कंसिडर इतना नहीं करता, इसको ओके है। अगर आपके कोई है ज़्यादा लेंथी पेज है तो आप मोबाइल पे कुछ एलिमेंट हिडन कर सकते हैं जो मोबाइल पे नहीं दिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिया है इन्होंने वीडियो का। इसके आगे नेक्स्ट 42 है हेल्पफुल सप्लीमेंट्री कंटेंट,
सप्लीमेंट्री कंटेंट का एग्जांपल ऐसा है कि अगर आपका कोई साइट है तो उससे रिलेटेड आपको उस यूजर को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एग्जांपल में यहाँ पर है करेंसी कन्वर्टर, लोन इंटरेस्ट कैलकुलेटर, मीन्स यूजर एंगेज हो जाए उसी कंटेंट के साथ। ये भी देखता है कि गूगल सर्च क्रॉलर के आपके पेज पर वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं। एंड 43 पॉइंट है कंटेंट हिडन बिहाइंड टैब्स, मीन्स बहुत सारे टैब होते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। अगर आपके पास ऐसा है तो मे नॉट बी इंडेक्स, ऐसे कंटेंट इंडेक्स नहीं होता। आप इमिडिएटली उस कंटेंट को रिप्लेस करिए, ओपन कर दीजिए, हिडन कुछ भी मत रखिए। मैक्सिमम देखा जाता है ये FAQ में कि क्लिक करते हैं तो वो FAQ का आंसर खुलता है, खाली क्वेश्चन दिखता है। तो उसको गूगल इंडेक्स नहीं करता। नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक टू मेनी टू फॉलो एंड कैन बी लीक पेज रैंक, विच कैन हर्ट दैट गूगल पेज रैंकिंग। नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक्स आपके कितने हैं, वो डू फॉलो हैं या नो फॉलो है, उसके ऊपर डिपेंड है। मीन्स आपके वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जंप होना। एंड मल्टीमीडिया इमेजेस वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट में एक्ट एज एंड कंटेंट क्वालिटी सिग्नल्स, फॉर एग्जाम्पल वन इंडस्ट्री स्टडी फ्रॉम कोरिलेशन बिटवीन मल्टीमीडिया एंड रैंकिंग। सो मल्टीमीडिया आप इमेजेस के साथ साथ में वीडियो और PDF या एनी अदर स्लाइड शो भी शेयर कर सकते हैं, वो भी रिलेवेंस साइट से। उसका एक गूगल पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। एंड 46 है नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स पॉइंटिंग टू पेज, आपके इंटरनल लिंक कितने पेज हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी कितना है। और इन्होंने दिया है मोर इंटरनल लिंक्स इज इक्वल टू मोर इम्पोर्टेंट, जितने आपके इंटरनल लिंक ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। 47 पे है क्वालिटी इंटरनल लिंक पॉइंटिंग टू पेज, इंटरलिंक फ्रॉम अथॉरिटी पेज ऑन डोमेन पेज सफर देन द पेज नो और लो पेज रैंक, मीन्स आप कोरिलेशन बना के उस पेज के साथ इंटरलिंक करिए। ब्रोकन लिंक हैविंग टू मेनी ब्रोकन लिंक ऑन ए पेज में भी साइन ऑफ ए निगलेक्ट ऑफ ब्रांडेड साइट्स, मीन्स आपके ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए। मीन्स आपने लिंक बनाया फिर URL को चेंज कर दिया, मीन्स या फिर आपका पेज एक्सेस ही नहीं हो रहा। रीडिंग लेवल, देयर इज नो डाउट द गूगल एस्टिमेट दैट द रीडिंग लेवल ऑफ द वेब पेज, इन फैक्ट गूगल यूज गिविंग यू रीडिंग लेवल स्टेट, मीन्स आपका रीडिंग लेवल कितना है, कि आपका जो कंटेंट है वो कितना इजीली लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट रहना चाहिए। ये इन्होंने तीन एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एंड एफिलेट लिंक देमसेल्फ प्रोबेबली वॉन्ट हर्ट योर रैंकिंग, अगर एफिलेटेड लिंक देते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको ज़्यादा मत दीजिए, एक दो ही रखिए, वो इनफ है। HTML errors एंड W3C वैलिडेशन, ये भी प्रॉपरली होना चाहिए, कोडिंग जो का स्ट्रक्चर के ऊपर है ये। अगर आपका स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं है तो गूगल उसको रीड नहीं करेगा। ये वीक क्वालिटी सिग्नल में आपका जितना अच्छा रहेगा उतना आपको बेनिफिट है। डोमेन अथॉरिटी, ऑल लेवल ऑफ बीइंग इक्वल ए पेज ऑन ए अथॉरिटिव डोमेन विल रैंक हायर देन ए पेज ऑन ए डोमेन विथ लेस अथॉरिटी, आपकी डोमेन का अथॉरिटी कितना है और जितना ज़्यादा अथॉरिटी रहेगा उतना ज़्यादा आपके पेज को रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डोमेन अथॉरिटी बढ़ता है नंबर ऑफ बैकलिंक से। पेजेस रैंक, पेज रैंक नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड बट पेज विथ लॉट्स ऑफ अथॉरिटी टेंड टू आउट रैंक पेज विदाउट मच लिंक अथॉरिटी, मीन्स आपके जो होम पेज के अलावा जो इंटरनल पेजेस है, जो डोमेन अथॉरिटी होता है वो मेन पेज मेन डोमेन के लिए होता है, और पेज अथॉरिटी जो आपके इंटरनल पेजेस या पोस्ट रहते हैं उसके लिए, और उसके ऊपर कितने बैकलिंक्स हैं उसका कितना इम्पोर्टेंस है वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। URL आपका कितना बड़ा है, कभी पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी उसमें URL में मत डालिए, 3 से 4 5 7 वर्ड का ही URL रखिए। और ये आरिफ के अकॉर्डिंगली उन्होंने शो कराया है कि 3 वर्ड का URL, 4 वर्ड का URL, 5 वर्ड का नंबर ऑफ करेक्टर इन URL, ये करेक्टर है वर्ड्स नहीं है, सो उसको भी आपको देखना रहता है, गूगल उसको यूज करता है। URL पाथ, ए पेज क्लोजली टू ए होम पेज में गेट द स्लाइटली अथॉरिटी बूस्ट वर्सेस पेज ऑफ ब्रेन डीप डाउन इन साइट्स आर्किटेक्ट, जो होम पेज से रिलेशन रहते हैं पेज का लिंक रहता है ज़्यादा उसको प्रायोरिटी मिलता है। एंड ह्यूमन एडिटर्स ऑल्दो नेवर कन्फ्यूज, गूगल हैज फील्ड ए पैटर्न फॉर द सिस्टम दैट अलाउ ह्यूमन एडिटर इन्फ्लुएंस द सर्प, मीन्स ह्यूमन एडिटर यूजर्स के लिए आपका कंटेंट्स कितना है उसके ऊपर है। पेज कैटेगरी, पेज का आप कैटेगरी किससे रिलेटेड है, रिलेवेंसी सिग्नल्स है कि आप प्रॉपरली
रिलेवेंस करिए। अगर आपका साइट से रिलेवेंस ही है पेज का, आपका साइट किसी और टॉपिक का है और आप पेज किसी और टॉपिक का लिख रहे हैं, वर्डप्रेस टैग टैग आर वर्डप्रेस वेबसाइट रिलेवेंसी सिग्नल अकॉर्डिंग टू योस्ट। वर्डप्रेस टैग जो है वो रिलेवेंसी सिग्नल में आते हैं। अगर आप साइट वर्डप्रेस के ऊपर है तो आप उसको टैग के थ्रू यूज करिए आपके पोस्ट को। कीवर्ड इन यूआरएल एंड अदर रिलेवेंसी सिग्नल्स। ए गूगल रैप रिसेंटली कॉल्ड दिस इज ए वेरी स्मॉल रैंकिंग फैक्टर। मीन्स गूगल ने ये अभी रिसेंटली कॉल किया है कि ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है, आपका कीवर्ड इन यूआरएल में रहना चाहिए। यूआरएल स्ट्रिंग द कैटेगरी दैट यूआरएल स्ट्रिंग यूआरएल स्ट्रिंग आर रीड बाय गूगल एंड में प्रोवाइड ए थेमेटिकली सिग्नल दैट हैपन इन ए पोस्ट। जैसा इन्होंने फोन एग्जाम्पल दिया है कि इनका ये वेबसाइट है फिर सेल फोन ऑल सेल फोन विथ प्लान, सो ये रिलेवेंसी है यूआरएल स्ट्रिंग की। रेफरेंस एंड सोर्स, आपने किसी दूसरी साइट का रेफरेंस आपने कुछ लिखा है और दूसरी साइट का कुछ रेफरेंस दिया है, जैसे इन्होंने पूरी साइट में रेफरेंस दिया हुआ है, हाउ एवर गूगल हैज डिनाइड, जैसा गूगल ने ये इन्होंने रेफरेंस दिया है गूगल हैज डिनाइड और ये गूगल पे लिंक कर जाएगा। दैट मे बी एक्सटर्नली लिंक एंड एज ए रैंकिंग सिग्नल। अगर आप किसी दूसरी साइट का रेफरेंस देते हैं गूगल उसको, गूगल को अच्छा लगता है गूगल सर्च क्रॉलर को। बुलेट एंड नंबर लिस्ट, आपके पेज पे बुलेट एंड नंबर होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑफ पेज इन साइट मैप, साइट मैप में आपका पेज इंडेक्स रहना चाहिए और उसका प्रायोरिटी पेज दिया होना चाहिए, ये भी इन्फ्लुएंस करता है रैंकिंग को। टू मेनी आउटबाउंड लिंक्स स्ट्रेट फ्रॉम द एफर्मिंग क्वालिटी रेदर डॉक्यूमेंट। मीन्स आउटबाउंड लिंक आपकी साइट से सिर्फ आउटबाउंड लिंक ही नहीं जाना चाहिए, इनबाउंड लिंक भी रहना चाहिए, इस कॉम्बिनेशन अच्छा मिक्स करना चाहिए। यूएस सिग्नल यूएक्स सिग्नल्स फ्रॉम आउटडोर कीवर्ड अदर कीवर्ड पेज रैंक फॉर इफ द पेज रैंक फॉर सेवरल कीवर्ड अदर कीवर्ड इट मे बी गूगल एंड इंटरनल सेन एंड ऑफ क्वालिटी। इनफैक्ट गूगल इज रिसेंट हाउ सर्च वर्क रिपोर्ट स्टेट्स। मीन्स अगर आपका एक कीवर्ड वर्क कर रहा है तो उसके रिलेवेंस से आप कीवर्ड बनाइए और वो आपके सिमिलर क्यूरी को रैंक करेगा। पेज एज ऑल द पेज रिफर फ्रेश कंटेंट एंड ओल्डर पेज दैट रेगुलरली अपडेट में आउट परफॉर्म इन न्यू पेज। मीन्स आपका पेज जो है वो उसका एज कभी बना था और अभी अपडेट कितने बार हुआ है। एंड यूजर फ्रेंडली लेआउट होना चाहिए, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। पार्क डोमेन, एक गूगल अपडेट इन दिसंबर 2011 डिक्रीज द सर्च विजिबिलिटी ऑफ पार्क डोमेन। मीन्स आप बहुत सारे लोग क्या एक डोमेन नाम से डोमेन लेते हैं, मल्टीपल एक्सटेंशन कर देते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं, उसको पार्क डोमेन भी बोलते हैं। यूजफुल कंटेंट, क्वालिटी एंड यूजफुल कंटेंट, कंटेंट कितना यूजफुल है, उसका क्वालिटी अच्छा हो नहीं हो, यूजर्स उस पर रीड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसको देखते हैं, वो आपका यूजफुल कंटेंट है, यूजर को वो यूज आ रहा है या नहीं। इसका नेक्स्ट हमारे 69 कवर हो गए, इसके आगे है साइट लेवल फैक्टर। कंटेंट 70 नंबर पे है, कंटेंट प्रोवाइड्स वैल्यू एंड यूनिक इनसाइट। गूगल हैज स्टेट दैट दे आर हैप्पी पेनलाइज साइट हैप्पी टू पेनलाइज साइट दैट डोंट ब्रिंग द एनीथिंग न्यू और यूजफुल टू द टेबल स्पेशली दैट एफिलिएट साइट। जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसका कुछ मीनिंग है, अगर आपका एफिलेटेड लिंक्स वगैरह हैं तो उससे कुछ इनसाइट, उससे कुछ क्लिक मिल रहा है या नहीं। एंड कॉन्टेक्ट अस पेज, आपकी साइट पे कॉन्टेक्ट अस पेज होना चाहिए, कंपलसरी है। डोमेन ट्रस्ट एंड ट्रस्ट रैंकिंग, मैनी ऐसे बिलीव दैट ट्रस्ट रैंक इज द मैसिवली इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर एंड ए गूगल पैटेंट टाइटल सर्च रिजल्ट रैंकिंग बेस्ड ऑन ट्रस्ट सीम टू बुल्ड दिस अप। ये इन्होंने कुछ कैलकुलेशन निकाल के रखा है डोमेन का ट्रस्ट कितना है उसके ऊपर। साइट आर्किटेक्ट, साइट का आपका आर्किटेक्ट कैसा है, आपने किस तरह से कैटेगरी बनाई है, किस तरह से आपने टैग वगैरह दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट ऑर्गेनाइज है या नहीं है वो उसके ऊपर है। जो भी कैटेगरी है आपका पोस्ट है वो प्रॉपरली कैटेगरी में जा रहा है या नहीं जा रहा है। साइट अपडेट, साइट आपका कितनी बार मीन्स कब कब अपडेट होता है, रेगुलरली अपडेट होता है या नहीं। मैंने ऐसे बिलीव दैट द वेबसाइट अपडेट एंड स्पेशली व्हेन यू कंटेंट इज एडिड टू द साइट फॉर एज ए साइट वाइड फ्रेशनेस फैक्टर। ऑल्दो गूगल हैज रिसेंटली डिनाइड दैट
दे यूज पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी इन देयर एल्गोरिथम। ओके, साइट अपडेट का मीनिंग इन्होंने गूगल ने डिनाइट किया है। ये देखते हैं आपका पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन्स आपका कितनी बार आप पब्लिश हो रहा है, पेज न्यू कंटेंट पब्लिश हो रहा है, पुराना आप कितना भी अपडेट कीजिए, ये गूगल का एल्गोरिदम के हिसाब से है। प्रेजेंस ऑफ साइट मैप, साइट मैप होना चाहिए, कॉमन चीज़ है, बेसिक एसईओ में आ जाता है। साइट अप टाइम, आपका साइट अप टाइम मोस्टली रहना चाहिए, जितना अप टाइम रहेगा उतना अच्छा है। डाउन टाइम, सर्वर कभी कभी फेल हो जाते हैं या सर्वर ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो डाउन टाइम में काउंट हो जाता है। अगर साइट गूगल सर्च कर रहा है बट यूज़र ने विजिट किया और यूज़र ने देखा कि सर्वर नॉट फाउंड आया, तो फिर नेक्स्ट टाइम से गूगल उस रिजल्ट को नहीं दिखाएगा। सर्वर लोकेशन डिपेंड करता है आप कहाँ से सर्च कर रहे हैं, आपका यूजर्स कहाँ से सर्च कर रहा है, और सर्वर का जियो लोकेशन क्या है। एसएसएल सर्टिफिकेट साइट पर होना चाहिए, तो गूगल ने इसको भी अनाउंस किया है कि ये रैंकिंग सिग्नल है, एसएसएल रहेगा तो हम जल्दी रैंक करेंगे, विदाउट एसएसएल वालों को प्रायोरिटी नहीं मिलता है। टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पेज, आपकी वेबसाइट पे ये दो पेज रहना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन या फिर टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पेज। डुप्लीकेट मेटा इन्फॉर्मेशन ऑन साइट, डुप्लीकेट मेटा इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी और साइट में ब्रिंग डाउन ऑल ऑफ योर पेज विजिबिलिटी। आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, इन्फॉर्मेशन है, वो रिपीट मत करिए, डुप्लीकेट मत करिए। ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन जैसा एग्जाम्पल दिया है, प्रोडक्ट फिर कौन सी कैटेगरी का है और वो क्या प्रोडक्ट है, ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है गूगल का। 82 पे आता है मोबाइल ऑप्टिमाइज, गूगल वॉन्ट टू सी दैट योर साइट इज ऑप्टिमाइज फॉर द मोबाइल यूजर, इनफैक्ट ऑफ द गूगल नाउ पेनलाइज वेबसाइट दैट आर नॉट इन मोबाइल फ्रेंडली। जो वेबसाइट पुरानी है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, गूगल उनको छोड़ देता है, उनको पेनलाइज लिस्ट में डाल रहा है। यूट्यूब, देयर इज नो डाउट दैट यूट्यूब वीडियो इज गिविन प्रोफेशनल ट्रीटमेंट टू द सर, प्रॉबली बिकॉज गूगल फॉन्ट इट। अगर आपके वेबसाइट पे यूट्यूब वीडियो का आप एक लिंक दे देते हैं, आपका हो या किसी दूसरे का हो, तो ये भी एक इन्फ्लुएंस इंक्रीज, ट्रैफिक इंक्रीज करने में सिग्निफिकेंट करता है। मतलब गूगल का जो एल्गोरिदम है वो उसको रीड करता है कि इस पे यूट्यूब का लिंक है और उसको प्रायोरिटी देता है। साइट यूजिबिलिटी, साइट दैट है डिफिकल्ट टू यूज और टू नेविगेट कैन हर्ट रैंकिंग, मीन साइट आपका प्रॉपरली, आप जिस कैटेगरी में यूजर जाना चाह रहा है उसको सारी चीज़ें इजीली मिल रही है या नहीं मिल रही है। ऐसा तो नहीं वो पेज पे जंप क्लिक करता है, फिर उस पेज पे देखा कुछ नहीं मिला, दूसरे पेज पे क्लिक किया कुछ नहीं मिला, सिर्फ वेट कितनी देर कर रहा है यूजर, वो इम्पोर्टेंट है। यूज ऑफ गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल, आपको सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स यूज करना है, वो भी गूगल रीड कर लेता है। यूजर रिव्यू साइट रिप्यूटेशन, आपकी साइट पर यूजर ने क्या रिव्यू दिए हैं, रिप्यूटेशन ऑन साइट लाइक यू प्ले लाइकली प्ले इंपॉर्टेंट रोल, गूगल एल्गोरिदम, गूगल इवन पोस्टेड ए रियली कैंडिड आउटलाइन ऑन दिस पेज, ऑनलाइन रिव्यू ऑफर वन साइट कैन कॉज रिपिंग ऑफ कस्टमर इन ऑफर एफर्ट टू गेट प्रेस एंड लिंक, मीन्स आपकी साइट पर रिव्यू वगैरह रहना चाहिए किसी दूसरी साइट से। अभी आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, बैकलिंक फैक्टर, ये थर्ड टॉपिक है एंड पॉइंट नंबर 87, लिंकिंग डोमेन एज। हमने शुरू में भी देखा था एज, खुद की डोमेन का एज क्या है और जिस डोमेन से आप लिंक ले रहे हैं उसका एज क्या है, जितना ज़्यादा ओल्ड होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। नंबर ऑफ बैकलिंक रूट डोमेन, कि आपका जो डोमेन वेबसाइट है उसके ऊपर कितना बैकलिंक्स बना हुआ है, नंबर ऑफ बैकलिंक जितना ज़्यादा रहना चाहिए इंटरनल पेज से ज़्यादा। नंबर ऑफ लिंक फ्रॉम सेपरेट सी क्लास आईपी, लिंक फ्रॉम द सेपरेट सी, आप बैकलिंक बनाते हैं एक ही साइट से बैकलिंक मत बनाइए, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से बैकलिंक बनाइए। नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस टू टोटल नंबर ऑफ लिंकिंग पेज इवन फ्रॉम द सेम डोमेन, सेम डोमेन से पेज पे, अलग अलग पेज पे हो सकते हैं बट वो सेम डोमेन पे, और ये जो पहला पॉइंट है वो अलग अलग डोमेन आईपी से होते हैं। बैकलिंक एंकर टैक्स, आप जो बैकलिंक बना रहे हैं वो किस नाम से बन रहा है, किस कीवर्ड पे ऊपर बन रहा है या फिर विदाउट कीवर्ड्स पे, ये प्लस पॉइंट है। एंड 92 नंबर पे आता है एल टैग फॉर द इमेज लिंक, अगर आप इमेज पे दे रहे हैं तो उस पर एल टैग होना चाहिए। लिंक फ्रॉम ईडीयू एंड जीओवी डोमेन, आपके गवर्नमेंट वेबसाइट से या एजुकेशन वेबसाइट से अगर लिंक मिलेगा तो गूगल उसको प्रायोरिटी देता है। अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग पेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रैंक फैक्टर सिंस गूगल अर्ली डेज एंड स्टिल इज, आप जिस डोमेन से ले रहे हैं उसका अथॉरिटी कितना है, उस पेज का, पर्टिकुलर पेज का अथॉरिटी कितना है, पूरे डोमेन का नहीं। अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग डोमेन,
रिफर द डोमिनेटर मे बी एन इंडिपेंडेंट रोल इन लिंक वैल्यू, उस डोमेन का अथॉरिटी कितना है, मेन डोमेन का, लिंक फ्रॉम कंपटीटर्स, आपके कंपटीटर से लिंक है या नहीं है, पेज रैंकिंग्स आप में भी मोर वैल्यूएबल टू पेज रैंकिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर कीवर्ड, आपके कंपटीटर से भी लिंक बनाकर रखिए, उसके लिए कंपटीटर सिमिलर साइट से लिंक है या नहीं है, बेसिक मीनिंग इसका ये है। लिंकिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेड वेबसाइट, स्पेशली सम एसईओ बिलीव दैट द गूगल वॉन्ट फुली ट्रस्ट योर वेबसाइट अंटिल यू गेट लिंक फ्रॉम सेट ऑफ एक्सपेक्टेड साइट इन योर इंडस्ट्री। अगर आप अपनी इंडस्ट्री से ही साइट से लेते हैं तो वो एक्सपेक्टेड करता है, ये भी एक पॉइंट है बट क्लियरिफाई नहीं है, गूगल वॉन्ट फुली ट्रस्ट। लिंक फ्रॉम बैड नेवी नेबरहुड, लिंक फ्रॉम सो कॉल्ड बैड नेबरहुड मे बी हर्ट योर साइट, ये निगेटिव पॉइंट है, आपकी जो लिंक्स है वो निगेटिव साइट से नहीं होना चाहिए। गैस पोस्ट तो बैक लिंक बनाने के लिए सबसे पावरफुल यूज होता ही है, लिंक आर एज पावरफुल थ्रू एडिटोरियल लिंक्स प्लस लार्ज स्केल गैस पोस्ट कैन गेट योर साइट इन टू ट्रबल, वो भी लिमिटेड करिए, ज़्यादा मत करिए। गैस पोस्ट आप हफ्ते में एक भी कर सकते हैं, वीकली 1 2 3 तक कर सकते हैं, लिंक फ्रॉम ये बट सिक्वेंस में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक किया और एक महीने बाद 50 कर दिए, एक साथ 5 कर दिए। लिंक फ्रॉम एड्स, अकॉर्डिंग टू गूगल अगर आपका एड्स से लिंक आता है, नो फॉलो हावर इज लाइक एबल टू आइडेंटिफाई द फिल्टर फॉलो लिंक फ्रॉम द एड, मीन्स गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लिंक्स फ्रॉम एड से लिंक लेते हैं, वो नो फॉलो लिंक रहना चाहिए गूगल एड्स का ही। एंड होम पेज अथॉरिटी, लिंक टू द रेफरिंग पेज होम पेज में प्ले स्पेशल इंपॉर्टेंस इन इवेल्यूएटिंग साइट्स एंड देयर आफ्टर लिंक वेटेज, आपके होम पेज का अथॉरिटी कितना है और आपके इंटरनेट पेजेस का अथॉरिटी कितना है, गूगल ये भी चेक करता है, नो फॉलो लिंक्स आपके कितना है ये भी गूगल देखता है, इन जनरल वी डोंट फॉलो देम, बट गूगल चेक करता है कि आपके पास नो फॉलो लिंक है भी या नहीं है, और सिर्फ डू फॉलो तो नहीं है बट वो फॉलो नहीं करता। डाइवर्सिटी ऑफ लिंक टाइप हैविंग एनुअल लार्ज परसेंटेज ऑफ योर लिंक कमिंग फ्रॉम द सिंगल सोर्स फॉरम प्रोफाइल्स ब्लॉग कमेंट्स मे बी साइन ऑफ द वेब स्पैम, आपके सारे लिंक्स जो है मैक्सिमम लिंक्स फॉरम प्रोफाइल या ब्लॉग कमेंट्स से तो नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव साइन है, इसको केयरफुली आप लिंक बनाइए, गूगल इसको रीड करता है। स्पॉन्सर्ड और यूजीसी टैग, लिंक्स रिलेशन इज इक्वल टू स्पॉन्सर एंड रिलेशन इज इक्वल टू यूजीसी आर टारगेटेड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फॉलो लिंक रिलेशन नो फॉलो लिंक, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो आप उसमें लगाइए, गूगल उसको चेक करता है, वो उसके लिए प्लस पॉइंट है कि क्लियरिफिकेशन उनको मिल जाता है। कॉन्टेक्सुअल लिंक, लिंक एम्बेडेड इनसाइड पेज कंटेंट आर कंसीडर मोर पावरफुल देन लिंक फ्रॉम एम्प्टी पेज फाउंड एल्सवेयर, ये एग्जाम्पल दिया है स्काई स्केपर लिंक्स, उन्होंने बिल्डिंग टेक्निक, तो इसके अंदर अगर आपका लिंक है कॉन्टेक्चुअल लिंक वो इंटरनल लिंक में ही आ जाता है बट वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए। एक्सेसिव 301 रिडायरेक्ट पेज बैकलिंक कमिंग फ्रॉम द 301 डिल्यूट सम पेज रैंक अकॉर्डिंग टू द वेब मास्टर हेल्प वीडियो, आपके रीडायरेक्ट किए हुए लिंक तो नहीं आ रहे, पहले वो कहीं और रीडायरेक्ट हो रहे थे, अब कहीं और हो रहा है। इंटरनल लिंक एंकर टैक्स, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है सेम ही है, इंटरनल लिंक एंकर टैक्स अनदर रिलेवेंसी सिग्नल दैट सेड इंटरनल लिंक लाइकली हैव मच लेस वेटेज देन एंकर टैक्स। लिंक टाइटल एट्रीब्यूट, द लिंक टाइटल एट्रीब्यूट टैक्स अपीयर व्हेन यू होवर द माउस एंड मे बी हैव यूज्ड टू वीक रिलेवेंसी सिग्नल, में आल्सो बी यूज एज ए वीक रिलेवेंसी सिग्नल, ये आप लिंक के ऊपर इंटरनल टाइटल टैग मत यूज करिए, उन्होंने वीक रिलेवेंसी सिग्नल को इंडिकेट किया है। कंट्री टी एल डी प्रेफरिंग डोमेन गेटिंग लिंक फ्रॉम द कंट्री स्पेसिफाइड टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन इन्होंने दिया है, जैसे लाइक DECN UK में हेल्प यू रैंक बेटर इन दैट कंट्री, अगर आपके पास लिंक डॉट इन डोमेन, इंडिया की बात करें डॉट इन या डॉट को डॉट इन से आ रहे हैं तो, और आपका डोमेन डॉट कॉम है तो वो इंडिया में जल्दी रैंक होंगे, वैसे लिंक वो US या अदर कंट्री में जल्दी रैंक नहीं होंगे। लिंक लोकेशन इन कंटेंट्स, लिंक इन द बिगिनिंग ऑफ ए पीस ऑफ कंटेंट में कैरी स्लाइटली मोर वेटेज देन लिंक प्लेस एट द एंड ऑफ द कंटेंट, जो आप लिंक लगा रहे हैं वो स्लाइटली अगर बिगनिंग में रहेगा तो उसका ज़्यादा वेटेज है, अगर लिंक आपका बॉटम में रहेगा
तो वो उसका लोअर वेटेज है। गूगल ये रीड कर लेता है आपके पेज में कि आपका लिंक किधर है, लिंक लोकेशन ऑन द पेज, ये भी सेम पॉइंट है, वेयर अपियर इन द इम्पोर्टेंट गैलरी, जनरली लिंक एम्बेडेड इन पेज कंटेंट इज मोर पावरफुल देन लिंक इन द फुटर और साइड बार। फुटर और साइड बार को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है जितना कि पेज के अंदर मिलता है। लिंकिंग डोमेन रिलेवेंसी वो पहले भी कवर हो चुका है, इन्होंने रिपीट किया है कि आपका किसने आपका जो कंटेंट है या टॉपिक नीचे है वो उसी रिलेवेंसी से कंटेंट होने चाहिए, लिंक होना चाहिए। पेज पेज लेवल रिलेवेंसी, आपका पेज का रिलेवेंसी और जिससे आप लिंक ले रहे हैं वो भी रिलेवेंसी होना चाहिए। कीवर्ड इन टाइटल, गूगल गिव एक्स्ट्रा लव इन लिंक फ्रॉम पेजेस दैट कंटेन एंड पेज कीवर्ड इन द टाइटल। तो आपके कीवर्ड्स टाइटल में रहना चाहिए और उससे रिलेटेड आपके पास लिंक भी रहना चाहिए। पॉजिटिव लिंक वेलोसिटी साइट, पॉजिटिव लिंक वेलोसिटी यूजली गेट्स आर बूस्ट एज इट शो इन द साइट इंक्रीज पॉपुलरिटी। जितने भी आपके लिंक हैं वो पॉजिटिव लिंक हैं तो ज़्यादा अच्छा है। एंड नेगेटिव लिंक वेलोसिटी, ऑन द फ्लिप साइड नेगेटिव लिंक वेलोसिटी सिग्निफिकेंट द रिड्यूस द रैंकिंग। अगर आपके नेगेटिव लिंक हैं तो वो आपकी पॉपुलरिटी को रिड्यूस करेंगे आपकी रैंकिंग पर। लिंक फ्रॉम द हब पेज, हब पेज से आपके पास अगर लिंक है, नहीं है तो आप प्रोफाइल बना लीजिए और उस पर एक्टिवेट हो जाइए। लिंक फ्रॉम द अथॉरिटी साइट्स, ए लिंक फ्रॉम द साइट कंसिडर द अथॉरिटी साइट लाइकली पास मोर व्यूज देन लिंक फ्रॉम द स्मॉल साइट। अगर आपके पास हाई अथॉरिटी वेबसाइट का लिंक है तो वो ज़्यादा आपको सपोर्टिव रहेगा गूगल साथ में। लिंक टू एज विकिपीडिया सोर्स, अगर आपके पास विकिपीडिया, ऑल्दो द लिंक्स आर नो फॉलो मे थिंक दैट गेटिंग ए लिंक फ्रॉम विकिपीडिया पेज यू में लिटिल एडिट ट्रस्ट एंड अथॉरिटी इन द आई ऑफ सर्च इंजन। नो फॉलो लिंक से अच्छा है कि विकिपीडिया पर लिंक बनाइए, उसका भी अगर नो फॉलो रहता है तो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। को अक्यूरेंस, द वर्ड दैट यू टेन टू अपियर अराउंड योर बैकलिंक हेल्प्स टेल गूगल वर्ड दे आर पेज इज अबाउट टू। मीन्स लाइक आपका अगर पेज पे कंटेंट लिखा है और बीच बीच में आप लिंक देते जाइए, इसका मीनिंग ये को अक्यूरेंस है। बैकलिंक का एज कितना है, बैकलिंक कितना पुराना है, एंड 122 पे आ जाता है। लिंक फ्रॉम रियल साइट्स वर्सेज स्पॉल स्प्लॉग्स, ये इसका मीनिंग होता है नेटवर्क गूगल प्रॉब्ली गिव मोर वेटेज लिंक कमिंग फ्रॉम द रियल साइट देन द फेक ब्लॉग। दे लाइकली यूज ब्रांड यूजर इंटरेक्टिंग सिग्नल एक्सचेंज बिटवीन द टू। अगर आपने किसी इंपॉर्टेंट बड़े ब्लॉग से कॉपी किया और एक सब ब्लॉग बनाकर उससे आपने आपको लिंक दे दिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। नेचुरल लिंक प्रोफाइल, आपका जो लिंक है वो नेचुरल है या अननेचुरल है या इंटेंशनली क्रिएट किया हुआ है। एंड रिप्लिक ऑन लिंक, लिंक को एक्सचेंज मत करिए, उससे कोई अवॉइड करिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, उससे डिसएडवांटेज है कि आप मेरी साइट पर लिंक डाल दो, मैं आपकी साइट पर बैक लिंक दूंगा। यूजर जनरेटेड कंटेंट लिंक, यूजीसी जिसको बोलते हैं, यूजर कंटेंट वर्सेज कंटेंट पब्लिश बाय द एक्चुअल साइट ऑनर। फॉर एग्जाम्पल, दे नो द लिंक फ्रॉम द ऑफिशियल wordpress.com ब्लॉग इज वेरी डिफिकल्ट देन लिंक फ्रॉम द बेस्ट टोस्ट ट्रिवर्स टू रिव्यू, बेस्ट टोस्टर रिव्यूज डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम। अगर आप वर्डप्रेस डॉट कॉम का ऐसा एक सब ब्लॉग बना लिया और उस पर अपने वेबसाइट को लिंक देते हैं वो बहुत ईजी है, और अगर आप वर्डप्रेस डॉट कॉम के ऑफिशियल साइट से लिंक लेंगे वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो वो लिंक्स, दोनों लिंक्स में डिफरेंट होता है, इसको बोलते हैं UGC, यूजर जनरेटेड लिंक। एंड लिंक फ्रॉम 301, लिंक फ्रॉम 301 में भी लॉस ए लिटिल बिट ऑफ जूस कंपेयर टू डायरेक्ट लिंक। हाउएवर मेडकेट से दैट 301 सिमिलर टू डायरेक्ट लिंक, मीन्स मेडकेट्स का कहना है कि वो डायरेक्ट लिंक के जैसा ही है, बट अगर आप किसी पुराने साइट्स का उनका लिंक खराब हो गया है, साइट बंद हो गई और आप ऑथर से रिक्वेस्ट करके मेल के थ्रू बैक लिंक अपनी साइट का रेफरेंस देते हैं तो वो लिटिल बिट लेस है। स्कीमा डॉट ओ आर जी, आपकी साइट पे स्कीमा डॉट ओ आर जी इम्प्लीमेंट है या नहीं है, अगर आपका ब्लॉग है रेटिंग के लिए आप दे सकते हैं, और बहुत सारा स्कीमा आता है। ट्रस्ट रैंक ऑफ लिंकिंग साइट, जो आपकी लिंकिंग साइट है उसमें ट्रस्ट रैंक कितना है, ये भी पॉइंट रिपीट किया है इन्होंने। नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक ऑन पेज, आपके वेब पेज से कितने लिंक बाहर जा रहे हैं एक्सटर्नल दूसरी साइट की ओर, ये भी एक कंसिडरेबल रहता है।
फॉरम लिंक बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल लेवल स्पैमिंग गूगल में सिग्निफिकेंट टी वैल्यू द लिंक फ्रॉम द फॉरम। अभी गूगल फॉरम लिंक को इतना प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसने टी वैल्यू कर दिया है ड्यू टू द स्पैमिंग। वर्ड काउंट ऑफ लिंक कंटेंट, ए लिंक फ्रॉम 1000 वर्ड पोस्ट इज यूजली मोर वैल्यूएबल देन लिंक फ्रॉम इनसाइड ए 25 वर्ड स्निपेट। अगर आपका जिस साइट से लिंक है उसके ऊपर 25 वर्ड्स है और आपने लिंक बना के दे दिया, और एक वेबसाइट है जहाँ पे 1000 वर्ड्स लिखे हुए उधर से लिंक आ रहा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1000 वाला। क्वालिटी ऑफ लिंकिंग कंटेंट, लिंक फ्रॉम द प्रोविजन रिटन इन स्पॉन कंटेंट डोंट पास एज मच वैल्यू लिंक फ्रॉम द वेल रिटन कंटेंट। जो रीराइट कंटेंट करके आप बैक लिंक बनाते हैं वो कोई वैल्यूएबल नहीं है, उसका इतना मीनिंगफुल नहीं है, इतना वैल्यू नहीं, प्रायोरिटी नहीं देता। साइट वाइड लिंक, साइट वाइड लिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक कंपास टू काउंट एज ए सिंगल रैंकिंग। साइट वाइड लिंक अभी इन्होंने इनका पूरा मेटकैट्स का पूरा रीड करना पड़ेगा, उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है साइट वाइड लिंक का। नाउ अभी हमारा टॉपिक्स आगे बढ़ता है यूजर इंटरेक्शन की ओर, एंड वीडियो के साथ आप बने रहिए, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है इसी उसमें, तो बने रहिए। रैंक ब्रैंड, ये गूगल का एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करता है कि यूज़र का इंटरेक्ट क्या है, यूज़र किस टाइप के उस पर सर्च कर रहा है। ऑर्गेनिक क्लिक्स थ्रू द रेट फॉर द कीवर्ड्स, उस पूरे आपकी साइट पे अगर 5 कीवर्ड रैंक हो रहा है तो सबसे ज़्यादा कीवर्ड कौन से उस पर आ रहा है, कौन से कीवर्ड पे क्लिक थ्रू रेट आ रहा है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। एंड ऑर्गेनिक CTR, क्लिक थ्रू रेट फॉर ऑल कीवर्ड्स, आपके बाकी कीवर्ड्स पे क्या क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, ये भी गूगल रीड करता है आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बाउंस रेट, आपके पेज का बाउंस रेट क्या है, जितना कम होगा उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा होगा उतना वो नेगेटिव है। डायरेक्ट ट्रैफिक आपको कितना है, डायरेक्ट ट्रैफिक जितना ज़्यादा होगा उतना आपको अच्छा है, जितना कम होगा उतना वो नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है इतना। रिपीट ट्रैफिक कितना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रिपीट ट्रैफिक से गूगल रैंकिंग में बूस्ट होता है। पोगो स्टिकिंग ऐसा है कि आपका, ये आप एग्जांपल देख रहे होंगे, इसमें आपका अगर साइट थर्ड या फोर्थ नंबर पर आ रहा है गूगल, और किसी पर्सन ने सर्च किया और मैक्सिमम पीपल आपको थर्ड, आपकी साइट पे थर्ड पोजीशन पर ही क्लिक कर रहे हैं, तो गूगल उसको प्रायोरिटी दे देता है और फर्स्ट पर लेकर आ जाता है। एंड ब्लॉक साइट्स हैज डिसकंटिन्यूड फीचर क्रोम, हाउएवर पंडा स्टिल यूज। आपने कोई साइट को ब्लॉक करके तो नहीं रखा है वेरिएशन ऑफ इट, सो गूगल में स्टिल यूज द वेरिएशन ऑफ इट। क्रोम बुकमार्क्स, मोस्टली यूजर क्रोम यूज करते हैं, और अगर किसी यूजर ने आपकी साइट को बुकमार्क किया है तो गूगल उसको रीड कर लेता है और उसको प्रायोरिटी देता है। नंबर ऑफ कमेंट्स, पेज विद लॉट्स ऑफ कमेंट में भी सिंगल सिग्नल ऑफ यूजर इंटरेक्शन ऑन क्वालिटी। इनफैक्ट गूगल वन गूगल सेट कमेंट्स हेल्प ए लॉट विथ रैंकिंग। अगर आपकी वेबसाइट है और उस पर अच्छे कमेंट्स आते हैं तो वो ज़्यादा यूजफुल है। ड्यूल टाइम, लॉन्ग पीपल स्पेंड, मीन्स आपके वेबसाइट पर लोग कितनी देर तक रुकते हैं, 1 मिनट, आधा मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, जितना कम रहेगा उतना नुकसान है, वो गूगल सब रीड कर लेता है। अभी नाउ आ जाए स्पेशल गूगल एल्गोरिदम रूल, क्यूरी सर्व फ्रेशनेस। जो भी आप न्यू पेज कंटेंट करते हैं, गूगल उस फ्रेशनेस को देखता है कि ये कंटेंट नया है और उसको बूस्ट करता है। क्यूरी रिजर्विंग डाइवर्सिटी, गूगल में एड डाइवर्सिटी ऑफ द सर्च फॉर एम्बिशियस कीवर्ड्स सच एज टेड, WWF और शूपी, मीन्स जो ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं वो आपके उसमें डाइवर्स हैं या नहीं है। यूज़र ब्राउजिंग हिस्ट्री, अगर यूज़र वो किस तरह से, यूज़र का ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, यूज़र कैसे यूज़ कर रहा है। यूज़र सर्च हिस्ट्री, यूज़र का सर्च हिस्ट्री क्या है, वो भी गूगल रीड करता है, उसको उसी हिसाब से रिजल्ट देता है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग रीमार्केटिंग से रिलेटेड, जो आपकी कुकीज से देख के करता है। फ्यूचर इस्टिमेट, गूगल हैज कंटेंट द बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंथ फॉर्मेटिंग पेज अथॉरिटी एंड HTTP यूज। फ्यूचर स्प्रिंट लाइक द, ऊपर आपको टेबल आ जाता है या बुलेट लिस्ट आ जाती है या पैराग्राफ, और भी टाइप के फ्यूचर स्प्रिंट है, वो भी देखता है कि आपके पेज फ्यूचर स्प्रिंट पे आ रहा है या नहीं, उसको प्रायोरिटी देता है।
जियो टारगेटिंग की। पहले यह है कि लोकल सर्वर आईपी एंड कंट्री स्पेसिफाइड डोमेन नेम एक्सटेंशन, तो जिसमें सर्वर आ जाता है, डोमेन एक्सटेंशन आ जाता है, और यूजर्स का सर्च लोकेशन, सेफ सर्च रिजल्ट विद कोर्स वर्ड एडल्ट कंटेंट वॉन्ट अपियर ऑन पीपल विद सेफ सर्च। एडल्ट कंटेंट है तो वो सेफ सर्च में नहीं आता है। गूगल प्लस सर्कल्स, इवन गूगल प्लस अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, बंद हो चुका है पूरी तरह से, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। इन्होंने 152 पे दिया है। YMYL कीवर्ड्स हैज हायर कंटेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर योर मनी ऑफ योर लाइफ कीवर्ड। नहीं, फुल कीवर्ड से ज़्यादा उन्होंने शॉर्ट कीवर्ड को दिया है, एज हायर कंटेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड, अगर आप शॉर्ट में भी लिखते हैं। DMCA कंप्लेन, अगर आपके ऊपर कोई कंप्लेंट्स वगैरह है, वो गूगल को रीड हो जाता है, पता चल जाता है DMCA की साइट से, तो उसको भी वो देखता है। डोमेन डाइवर्सिटीज, द सो कॉल्ड बिग फुट अपडेट स्पोन्स सपोजली एडिड मोर डोमेन्स टू रीच सर्च पेज। ट्रांजेक्शन सर्चेस, आपका कितना, गूगल समटाइम डिस्प्ले द डिफरेंट रिजल्ट इन शॉपिंग रिलेटेड कीवर्ड लाइक फ्लाइट एंड सर्चेस। ओके, मीन्स टाइम बेस्ड, अगर आपने स्पेसिफाई कुछ दिया हुआ है, जैसे अभी एयरपोर्ट का फ्लाइट का टाइम है, आप सुबह का में सर्च कर रहे हैं तो शाम को नहीं दिखाएगा, सुबह का दिखाएगा, और शाम में कर रहे हैं तो शाम का। लोकल सर्चेज आपके कितने हैं और उससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। टॉप स्टोरीज बॉक्स, अगर ये आपकी साइट पर आ रहा है ऐसा स्टोरीज, तो उसको भी प्रायोरिटी देता है। बिग ब्रांड प्रेफरेंस, आपका जो साइट है वो ब्रांडेड कीवर्ड्स पर आता है या नहीं। शॉपिंग रिजल्ट, गूगल समटाइम डिस्प्ले गूगल शॉपिंग रिजल्ट्स इन ऑर्गेनिक सार्प। सो ये आपका शॉपिंग रिजल्ट आ रहा है, ये एडवर्टाइज रहते हैं स्पॉन्सर्ड, तो उस पर भी आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटी मिलता है। सो मोस्टली ब्लॉग में ऐसा नहीं रहता, ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं रहता, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनके लिए भी है ये सब सारी चीज़ें। इमेजेस रिजल्ट, आपका गूगल पे इमेज रिजल्ट में आपका इमेज आ रहा है या नहीं। ईस्टर एग रिजल्ट, गूगल हैज डजन्स ऑफ ईस्टर एग रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल वैन यू सर्च अतारी ब्रेकआउट इन गूगल इमेज सर्च, द सर्च रिजल्ट टर्न इन टू ए प्लेबल कैम शूट एंड वेक्टर पेन इज वन। मीन्स ये एक गेम है, गेम वालों के लिए है, जो गेम है तो उनका डायरेक्टली गेम प्ले हो जाता है, गेम का फीचर स्प्रिंट आ जाता है। सिंगल साइट रिजल्ट फॉर ब्रांडेड डोमेन एंड ब्रांडेड ओरिएंटेड कीवर्ड ब्रिंग अप सेवरल रिजल्ट फ्रॉम द सेम साइट्स। ये भी देखता है गूगल, जैसे अगर आप apple.com या एप्पल से रिलेटेड सर्च करेंगे तो एप्पल के ही बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। पेडी लॉन्स अपडेट और डिजाइन फॉर क्लीन अप एवरी स्पेमी क्यूरी। एंड ये आ जाता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ब्रांड सिग्नल 165 पर। ब्रांड नेम एंकर टैक्स, ब्रांडेड एंकर टैक्स इज सिंपली बट स्ट्रॉन्ग ब्रांड सिग्नल। ब्रांडेड जो ऑलरेडी ब्रांडेड है, जैसे लाइक अमेजोन हुआ या फ्लिपकार्ट हुआ, तो वो उस कीवर्ड पर आपका रैंक हो रहा है या नहीं है। ब्रांडेड सर्चेस, पीपल सर्च फॉर द ब्रांड, इफ पीपल सर्च फॉर योर ब्रांड इन गूगल दिस शो गूगल दैट योर साइट इज ए रियल ब्रांड। लाइक मैंने जो ऊपर बताया कि ब्रांड नेम एंकर टेक्स्ट, तो इसके अलावा ये ब्रांड सर्चनेस है कि आपका जो वेबसाइट है लोग उसके नाम से सर्च कर रहे हैं, तो गूगल उसको ब्रांडेड समझता है। ब्रांड प्लस कीवर्ड सर्चेस, डू पीपल सर्च फॉर ए स्पेसिफिक कीवर्ड्स अलोंग विद योर ब्रांड, फॉर एग्जांपल बैकलिंक को गूगल रैंकिंग फैक्टर ये उन्होंने दिया, और बैकलिंक को एक्सीओ फैक्टर, सो इसमें इनके दोनों ब्रांड आ गए। और दूसरा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे MI मोबाइल अगर कोई सर्च करता है, या सैमसंग मोबाइल्स अंडर 10,000, या सैमसंग मोबाइल इन द फ्लिपकार्ट अमेजोन, सो ये दोनों ब्रांड इसमें आ गए, मोबाइल भी आ गया और साइट के नाम भी आ गए। साइट हैज़ ए फेसबुक पेज एंड लाइक्स, ये सोशल सिग्नल से रिलेटेड है कि आपकी साइट पे फेसबुक के लिंक से या पेज का लिंक है। साइट हैज़ द ट्विटर प्रोफाइल और ऑफिशियल लिंक्डइन कंपनी पेज और नाउ ऑथरशिप। और आपकी साइट पर लाइक ऑथरशिप, आपका प्रोफाइल रहना चाहिए, आपका फोटो रहना चाहिए, ये भी देखता है। लिंक्डइन और सोशल मीडिया अकाउंट्स, कि आपके सोशल मीडिया वे के अकाउंट्स हैं, फॉलोअर हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वापस से, लिंक सोशल सिग्नल्स हो जाते हैं। ब्रांड मेंशन इन टॉप स्टोरीज, अगर आपकी साइट पर टॉप स्टोरी आती है तो उसमें ब्रांडेड नाम अपियर हो रहा है या नहीं। अनलिंक ब्रांडिंग मेंशंस विदाउट गेटिंग लिंक टू द गूगल,
लाइकली लुक नॉन हाइपरलिंक ब्रांड मेंशन इन ब्रांड सिग्नल। सो ये भी ब्रांडिंग सिग्नल से रिलेटेड है। और ब्रिक एंड मोर्टर लोकेशन, रियल बिजनेस हैव अ ऑफिशियल, इट इज पॉसिबल दैट द गूगल फिनिश द फिनिशेज फॉर द लोकेशन डेटा डिटरमाइन वेदर और नॉट साइट इज पिक ब्रांड और नॉट। मीन्स अगर मल्टीपल लोकेशन पर ऑफिसेज है और वो मल्टीपल ब्रांड दिखना चाहिए। ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर, वन सेवरी पंडा पेनल्टी, आपकी साइट पर पेनल्टी तो नहीं है। लिंक फॉर बैड नेविगेशन ने ये ऊपर भी दिया हुआ है, आपके पुराने नेबरहुड से या जिससे भी बैकलिंक आ रहा है उनको पेनल्टी तो नहीं है। एंड रीडायरेक्ट, आपके रीडायरेक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पॉपअप और डिस्टिंग एड, आपके पास उस पर पॉपअप या ज़्यादा ऐड ना हो ताकि यूज़र को ट्रबल ना हो। एंड इंटरेस्टिंगली पॉपअप गूगल में पेनलाइज साइट दैट डिस्प्ले फुल पेज इंटरेस्टिंगली पॉपअप फॉर मोबाइल यूजर्स। अगर आपकी साइट पर फुल पेज दिख रहा है तो गूगल उसको अवॉइड करता है। साइट ओवर ऑप्टिमाइज, यस गूगल डज पेनलाइज पीपल फॉर ओवर ऑप्टिमाइज साइट्स देयर। दिस इंक्लूड कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए। आप किसी कीवर्ड पर टारगेट कर रहे हैं और उसको आप 100 बार लिख देंगे तो उससे गूगल उसको पेनलाइज करेगा। कैबरिश कंटेंट, एक गूगल पंडा आउटलाइंस हाउ गूगल कैन आइडेंटिफाई कैबरिश कंटेंट विच इज़ हेल्पफुल फॉर द फिल्टरिंग आउट स्पून। मीन्स आपका जो ओवरऑल है वो आपने कंटेंट कॉपी करके जो स्पून तो नहीं किया, ऑटो जनरेटेड तो कंटेंट नहीं है, वो भी चेक कर लेता है। डॉरी पेजेस, ड्रॉवे पेजेस, गूगल वॉन्ट्स द पेज यू शो टू गूगल टू बी द पेज दैट यूज लेट अल्टीमेटली सी इफ पेज रीडायरेक्ट पीपल अनदर पेज दैट इज डोरवे पेजेस। नीडलेस टू से गूगल डज नॉट लाइक साइट दैट इज डोरवे पेजेस। मीन्स लाइक आपने दिखाया कुछ और यूजर जैसे ही क्लिक करके आया एंड वो किसी और पेज पर रिडायरेक्ट हो गया। एड अबव द फोल्ड, पेनलाइज साइट विद द लॉट्स ऑफ एड, ज़्यादा एड डालेंगे तो पेनलाइज हो जाता है। हिडन एफिलेटेड लिंक, हिडन लिंक मत रखिए, किसी को पता ना चले और वो क्लिक कर दे और उसको गूगल अवॉइड करता है, पेनल्टी देता है। फ्री निक नेम्स गिवन गिवन टू ए सीरीज, गूगल अपडेट स्ट्रिंग इन 2017 अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन लैंड। फ्री टारगेट लो वॉल्यूम कंटेंट साइट्स दैट पुट रेवेन्यू अबव हेल्पिंग देयर यूजर। मीन्स आप कुछ और बहाना दे के फ्री तो नहीं कर रहे हैं, निक नेम दे के। एफिलेटेड साइट्स, इट इज टू सीक्रेट दैट द गूगल इज नॉट बिगेस्ट फैन ऑफ एफिलेटेड एंड मे बी थिंकिंग द साइट इज मोनेटाइज विद एफिलेट प्रोग्राम आर पुट अंडर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ऑटो जनरेटेड कंटेंट, आपकी साइट पर ऑटो जनरेटेड कंटेंट तो नहीं है जो ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट करता है। वर्डप्रेस में काफ़ी प्लगइन है, लोग यूज़ भी करते हैं। एक्सेस पेज रैंक स्क्रिप्टिंग, गोइंग टू फार विथ पेज रैंक स्क्रिप्टिंग वाई नॉट फॉलोइंग ऑल आउटपॉइंट लिंक मे बी साइन ऑफ गेमिंग द सिस्टम। आपके सारे लिंक जो है वो आउटबाउंड लिंक जो है वो नो फॉलो नहीं रहना चाहिए, मिक्स रहना चाहिए। आईपी एड्रेस फ्लैग एज स्पैम, आपका सर्वर का आईपी एड्रेस कभी स्पैम में तो नहीं गया। मेटा टैग स्पैमिंग, कीवर्ड स्टफिंग कैन ऑल्सो भी हैपनिंग इन मेटा टैग। आप खाली मेटा टैग में नंबर ऑफ कीवर्ड्स मल्टीपल टाइम मर्ज डालिए। ऑफ साइट वेब स्पैमिंग फैक्टर, तो दोस्तों ये 192 हैक साइट, आपकी साइट कभी इससे पहले हैक तो नहीं हुई थी। इफ योर साइट गेट हैक इट कैन बी ड्रॉप फ्रॉम द सर्च रिजल्ट। एंड अननेचुरल इन्फ्लुएंस ऑफ लिंक, इस सडन इन्फ्लुएंस ऑफ लिंक्स आर श्योर फ्री साइन ऑफ फॉनी लिंक्स। मीन्स आपके डमी लिंक्स नहीं बने होने चाहिए, पेंशन पेनल्टी, ये गूगल का एल्गोरिदम है, इसके थ्रू पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए। एंड लिंक प्रोफाइल विद द हाई परसेंटेज ऑफ लो क्वालिटी लिंक, आपके पास 1 लाख लिंक हैं बट वो लो क्वालिटी है, वो भी एक बैड इफेक्ट है। लिंक फ्रॉम अनरिलेटेड वेबसाइट, मीन्स जो आपके रिलेटेड वेबसाइट हो उसी से लिंक लीजिए। एंड अननेचुरल लिंक वार्निंग, गूगल सर्च कंसोल नोटिस दैट डिटेक्ट दैट अननेचुरल लिंक मैसेजेस यूजुअली प्रोसीड ए रैंकिंग ड्रॉप। लो क्वालिटी लिंक, डायरेक्टरी लिंक, डायरेक्टरी लिंक पे भी लो क्वालिटी लिंक मत रखिए। वेजिट्स लिंक मत रखिए, लिंक फ्रॉम द ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन यूजर एम्बेड ए वेजिट्स ऑन देयर साइट। एंड लिंक फ्रॉम द सेम क्लास सी आई पी, गेटिंग नेचुरल अमाउंट ऑफ लिंक फ्रॉम द साइट ऑफ द सेम आई पी में हेल्प गूगल डिटरमाइन दैट योर लिंक आर कमिंग फ्रॉम द ब्लॉक नेटवर्क।
कुछ पॉइंट्स और हैं, ये 200 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, तो देखते हैं इसको भी। एंड पोजी पॉइजन्स एंकर टैक्स, हैविंग द पॉइजन एंकर टैक्स स्पेशली फार्मेसी की वर्ड्स, फार्मेसी से रिलेटेड अननेचुरल लिंक, ये भी पहले भी कवर हो चुका है, अननेचुरल लिंक, लिंक फ्रॉम द आर्टिकल एंड प्रेस रिलीज, आर्टिकल डायरेक्टरी एंड द प्रेस रिलीज हैज बीन अब्यूज टू द पॉइंट ऑफ गूगल, नाउ कंसिडर दोज टू लिंक्स बिल्डिंग स्ट्रेटेजी लिंक स्कीमा में केसेस। मोस्टली प्रेस रिलीज और आर्टिकल्स में लोग चलते हैं, वो अब्यूज हो चुका है, गूगल उसको कंसिडर नहीं करता है। नाउ कंसिडर टू लिंक्स, टू टाइप के लिंक्स, मैनुअल एक्शंस, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ दिस बट मोस्ट आर रिलेटेड टू बैक लिंक, हेड लिंक बिल्डिंग एंड सेलिंग लिंक, वो भी देख पता चल जाता है कि आप कहीं सेलिंग लिंक से तो परचेज नहीं कर रहे हैं। गूगल सैंडबॉक्स, न्यू साइट दैट कैट सडन इन्फिक्स इन ऑफ लिंक आर समथिंग पुट इन गूगल सैंडबॉक्स विच टेम्परेरी लिमिट सर्च विजिबिलिटी। आपका साइट सैंडबॉक्स में तो नहीं गया हुआ है, गूगल डांस, द गूगल डांस कैन टेम्परेरी शेक अप रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द गूगल पेटेंट, दिस मे बी वे फॉर देम डिटरमाइन वेदर और नॉट साइट इज ट्राइंग टू गेम और एल्गोरिदम। अगर गूगल को कुछ सर्च होता है तो गूगल अपने इस गूगल पेटेंट एल्गोरिदम में डाल देता है। एंड डिसवॉर्फ टूल्स, यूज द डिसवॉर्फ टूल मैनी रिमूव मैनुअली एल्गोरिदम पेनल्टी साइट्स दैट वर विक्टम ऑफ द नेगेटिव एसईओ। डिसवॉर्फ एक टूल्स है, गूगल का फ्यूचर है, गूगल सर्च वेब मास्टर टूल्स के अंदर, कि अगर आपके पास पेनल्टी ऑफ लिंक है या बैड लिंक्स हैं, वो आप यहाँ डिसवॉर्फ टूल से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में कर दीजिए। रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट, ए सक्सेसफुल कंसिडरेशन रिक्वेस्ट कैन लिफ्ट इन पेनल्टी। आपकी वेबसाइट अगर पेनल्टी में गई है तो कितनी बार रिकंसिडर रिक्वेस्ट में गई है, टेम्परेरी लिंक स्कीमा गूगल हैज कॉज टू पीपल दैट क्रिएट एंड क्विकली रिमूव स्पैमी लिंक आल्सो नाउ एज ए टेम्परेरी लिंक स्कीमा। आपने जो रिमूव किया है बट गूगल उसको जानता है, यही सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी 210 गूगल के रैंकिंग फैक्टर मैंने पढ़े, काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप उस पॉइंट का नंबर लिखिए, नीचे कमेंट्स करिए, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।